Subscribe knitting and stitching with Hina channel and press the bell icon for latest videos. Hello friends, welcome to my channel. आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरप्रूफ शावर कैप. इसे आप अपने बेबी के लिए भी घर पे बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं. ये बहुत ही आसानी से घर पे बन सकती है. ये मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है आपको दिखाने के लिए. इसको बनाने के लिए मैंने ली है वाटरप्रूफ शीट. ये बेबी शीट है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी. आप चाहें तो लिफाफा भी ले सकते हैं प्लास्टिक का. और मैंने लिया है फैब्रिक. ये मैंने दो पीस लिए हुए हैं अलग अलग फैब्रिक के. इस तरह से. और मैंने एक जैसा इनको गोलाई में काट लिया है. इसकी लगभग लेंथ मैंने ली है 12.5 इंच. गोलाई में ये 12.5 इंच है और फैब्रिक भी 12.5 इंच है. इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले शीट को नीचे रखेंगे, उसके बाद एक फैब्रिक को ऊपर रखेंगे. ऊपर की साइड सीधा रखेंगे हम. दूसरा फैब्रिक हम निचली साइड रखेंगे सीधा करके. मतलब दोनों फैब्रिक हम एक दूसरे की तरफ सीधा रखेंगे. ये ऊपर की साइड उल्टी है. शीट को आप किसी भी तरफ रख सकते हैं, ये दोनों तरफ से आपकी कैप बन जाएगी. और हमने ली है इलास्टिक. इलास्टिक आप जितनी आपकी मेजरमेंट रहेगी उसे 3 या 4 इंच कम लें. इसको हम सबसे पहले पिन अप कर लेते हैं सिलाई से पहले, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो फिसले ना. इस तरह से. फिर हम जहाँ पे हमने पिन अप किया है फिर हम उस पर उसके ऊपर सिलाई कर देंगे 1/4 इंच छोड़ के, क्योंकि 1/2 इंच की हमारी इलास्टिक रहेगी. इलास्टिक हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. इस तरह से हमने पिन अप कर दिया है और थोड़ा सा हमने गैप छोड़ दिया है सिलाई के लिए. यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करनी है. इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है और इसको सीधा कर लिया है. ये देखिए, ये कैप आपकी दोनों तरफ से बन जाएगी. अब हमने 1/2 इंच छोड़ के इसके अंदर की तरफ सिलाई कर ली है. अब मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लूँगी जहाँ से हमने गैप छोड़ा था. ये देखिए, मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर दी है और ये कैप कुछ इस तरह से बन गई है.